नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो अक्सर हमें दिखाई दे जाता है। कई बार तो सड़क पर ही दिखाई दे जाता है, कभी गली में, और कुछ लोग तो इस प्यारे से जीव को पालतू बनाकर घर में भी रखते हैं। आपके लिए लेकर आई हूं मैं गीत जिसे बहुत मजे से चिंटू गा रहा है। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर, क्या तुम सोई पलंग के नीचे, कहाँ छिपी हो, ऊपर या नीचे। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम हो बस्ती के अंदर, जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पहुंचा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर, कभी दरी के नीचे होकर, जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। चिंटू ने तो अपनी बिल्ली ढूंढ ली। अब आपके लिए ढूंढाई का काम है। अपने स्क्रीन पर कुछ वाक्य देखेंगे और उस वाक्य में आपके पास कुछ शब्द होंगे। आपको वाक्य के हिसाब से वाक्य के अनुरूप सही शब्द पर घेरा लगाना है। आसान है ना। देखिए, पहला वाक्य आपके लिए हमने कर दिया है, लाल गेंद पलंग के ऊपर या पलंग के नीचे या पलंग पर है। तो अगर आपने कविता सुनी, चित्र देखे, तो पहचान गए होंगे आप, लाल गेंद पलंग के नीचे है। अब तकिया, तकिया पलंग पर, पलंग के बाहर या पलंग के नीचे है। बताइए सही जवाब क्या है। हाँ, बिल्कुल सही। अगला वाक्य, आदमी पेड़ के नीचे, पेड़ के अंदर या पेड़ पर सो रहा है। बताइए क्या है इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही, आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। अब ये वाला वाक्य देखिए, गाय घर के अंदर, घर के ऊपर या घर के बाहर है। तो उसका सही जवाब पहचानिए। हाँ, गाय घर के बाहर है। अब आपके लिए सोच विचार का काम। सोचिए और बताइए, आप अपने जूते कहाँ रखते हैं। कहाँ रखते अपने जूते आप, कमरे के अंदर या कमरे के बाहर। बिल्कुल सही, कमरे के बाहर। आप कूड़ा कहाँ डालते हैं, कचरा, किसी भी तरह का कचरा, चाहे वो केले का छिलका हो, कागज की कतरन हो, किसी भी तरह का कूड़ा, आप कूड़ा कहाँ डालते हैं, कूड़ेदान के अंदर या कूड़ेदान के बाहर। हाँ, क्या आप ऐसी हवा में उछाल देते हैं, बताइए। हाँ, आप हैं समझदार बच्चे। सो कूड़ा कूड़ेदान के अंदर। चिंटू ने बिल्ली तो पकड़ ली और हमने इस गीत को गा भी लिया, पर अगर घर में चूहा घुसाए तो क्या उसे पकड़ पाएंगे उसके पीछे दौड़कर आप। सोचिए सोचिए और थोड़ा सा विराम लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे फिर कभी किसी बोर्ड पर एक नई कविता या कहानी या गीत के साथ। नमस्कार।